Ignited Minds Tutorials recently released a video on the topic of measurement and effects of heat for Class 8 students of Maharashtra State Board. In this comprehensive science lesson, various aspects of heat and its impact are explored. The video begins by discussing the concept of temperature and its measurement through thermometers, explaining how different units like Celsius and Fahrenheit are used. The next section focuses on the expansion and contraction of materials due to heat, providing examples and real-life applications. Moving further, the video covers the topics of thermal expansion and its importance in daily life, such as in the construction of bridges and railways. The effects of heat on different substances, including solids, liquids, and gases, are also explained, highlighting the changes in their physical properties. Moreover, the video delves into the concept of the transfer of heat through conduction, convection, and radiation. These methods are elucidated with practical examples like the heating of water, cooking, and the functioning of a refrigerator. The tutorial concludes by emphasizing on the significance of understanding heat and its effects in our lives. It encourages students to apply this knowledge to everyday situations and be aware of the impact of heat on materials and substances. Overall, this video by Ignited Minds Tutorials provides a comprehensive explanation of the measurement and effects of heat topic for class 8. Okay, people, we were discussing about measurement and effects of heat. ठीक है, तो इसमें भाई साहब हम थर्मोमीटर, हमने सबने थर्मोमीटर देखा रहेगा भाई साहब. थर्मोमीटर हम किस में इस्तेमाल करते हैं? अपने टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं. ठीक है, सो यू मस्ट हैव सीन द थर्मोमीटर दैट इज यूज्ड व्हेन समवन हैज फीवर. तो फीवर जब रहता है तो हम थर्मोमीटर को या तो मुंह में या तो यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता क्यों है फीवर के टाइम पे? फीवर के टाइम पे आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता क्यों है? व्हाई? ओके, हमारे बॉडी में भाई साहब कोई ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ फाइट करते हैं. तो ये एक जंग का मैदान होता है. ठीक है, और इसीलिए टेम्परेचर आपका बढ़ता है. तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या टेम्परेचर का बढ़ना हमारे बॉडी के लिए अच्छा है? यस. ठीक है, फीवर आना एक तरफ से अच्छा है, मतलब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है. उसको बंद कर दो. मेरा एक दोस्त था, उसकी बेटी छोटी सी थी, ऐसे इतना छोटी सी थी, और वो अचानक भयानक में कोलैप्स कर जाती थी, मतलब बेहोश हो जाती थी. लोग दौड़ के उसको लेकर जाते थे, कभी कभी ऐसा होता था. ठीक है, उसके होने का रीजन ये है क्योंकि उसको फीवर नहीं आता था, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था. जिसके वजह से अगर आपको फीवर आ रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मतलब जंग चालू है, लड़ाई चालू है. ठीक है, तो जीतेंगे ही हम. ठीक है, लेकिन लड़ाई चालू है ये इंडिकेटर है. और फीवर आने से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. जब आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. ठीक है, तो फीवर आना एक तरह से अच्छा है, लेकिन इस फीवर को अपन कैसे मेजर करते हैं? बाय मीन्स ऑफ अ थर्मोमीटर. और फीवर को हम जो थर्मोमीटर यूज करते हैं इसको अपन बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. डिफरेंट थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज. क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम किसके लिए यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. इससे भाई साहब हम क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं. ठीक है, अ थर्मोमीटर इज शोन. तो आपका देखो एक थर्मोमीटर है. ठीक है, इट हैज अ नैरो ग्लास ट्यूब. एक नैरो सा ग्लास ट्यूब होता है. आज की तारीख में तो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए. इट्स अ नैरो ग्लास ट्यूब. द बल्ब एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विद अ लिक्विड. ये जो लिक्विड होती है थर्मोमीटर की, लिक्विड जनरली हम क्या लेते हैं? थर्मोमेट्रिक लिक्विड इज बेसिकली व्हाट? मर्करी. दिस इज बेसिकली मर्करी. ठीक है, मर्करी वॉज यूज बट एज इट इज हार्मफुल फॉर अस इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद एल्कोहल. तो कहीं कहीं पे एल्कोहल भी यूज हो रहा है आज की तारीख में. ठीक है, द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हैज वैक्यूम एंड द अदर एंड इज क्लोज. तो यहाँ पे देखो बाकी का जो ट्यूब है ये इसमें वैक्यूम है. वैक्यूम मतलब नो एयर. ठीक है, वैक्यूम मीन्स एबसेंस ऑफ एयर. एबसेंस ऑफ एयर. ठीक है, द बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट. तो ये वैक्यूम है. वैक्यूम मीन्स एबसेंस ऑफ एयर. ठीक है,
ओके द बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू टेम्परेचर, तो इस बल्ब को अपन उस ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं जिसका टेम्परेचर हमको मेजर करने का है, ठीक है, ओके, उस टेम्परेचर इज मेजर टू बी सो दैट द टेम्परेचर बिकम्स सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर द अल्कोहल इनसाइड इट एक्सपैंड्स एंड इट्स लेवल इन द ट्यूब राइजेस, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एल्कोहल द टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लेवल ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो हम भाई साहब यहाँ पे तो मरकरी आज की तारीख में मरकरी जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे भाई साहब, एल्कोहल से, मरकरी इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाई एल्कोहल एंड दिस इज द लिक्विड विच इज बेसिकली ये आपका रिप्लेस हो रहा है एल्कोहल से, और ये वाला ये आपका थर्मोमेट्रिक लिक्विड है, दिस इज बेसिकली थर्मोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, थर्मोमेट्रिक लिक्विड शोज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, हेल्दी पर्सन का विदाउट फीवर, मतलब अगर आपको फीवर नहीं है विदाउट फीवर तो बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भाई साहब 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर डिजाइंड टू मेजर टेम्परेचर्स बिटवीन 35 एंड 42, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को मेजर करते हैं, इससे ज़्यादा हम सह भी नहीं सकते हैं, इससे ज़्यादा इंसान कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, मतलब आप बोलेंगे सिर्फ 7 डिग्री मेजर करने के लिए बना है, यस क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर बेसिकली डिजाइन टू मेजर ओनली, देखो 35 से 42 है बेसिकली, ठीक है, 7 डिग्री का डिफरेंस है, तो इतना ही है हमारा बॉडी टेम्परेचर, अगर भाई साहब 1 डिग्री भी बढ़ जाता है तो बहुत जोर सा फीवर आता है, तो आप सोचिए 7 डिग्री अगर बढ़ गया तो इंसान कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का डिजाइनिंग जो हुआ है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स दे आर डिजाइंड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दीज डेज इंस्टेड ऑफ द अबव टाइप डिजिटल थर्मोमीटर्स, आज की तारीख में वैसा वैसे डिजिटल थर्मोमीटर्स आ जाएंगे, ठीक है, यू विल यू मस्ट हैव सीन डिजिटल थर्मोमीटर्स, दिस डज नॉट यूज द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट, एक्चुअली में क्या होता है जब आप इसको गर्म यहाँ पे समझ लो मेरा गर्म यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो मेरा बॉडी टेम्परेचर इससे पकड़ेगा और ये भाई साहब मरकरी क्या करेगा एक्सपैंड करेगा, ठीक है। सो वॉट इज हैपनिंग इज थर्मोमीटर के अंदर जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड होती है थर्मोमेट्रिक लिक्विड ये भाई साहब क्या पकड़ेगा हीट, और ये हीट पकड़ के भाई साहब क्या होगा एक्सपैंड करेगा, और यही एक्सपेंशन का रीडिंग हमको मिलता है, तो एक्सपेंशन का जो रीडिंग होता है ठीक है दैट इज बेसिकली गिव्स अस द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर, ये हमको रीडिंग देता है किसका भाई साहब टेम्परेचर का, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर आपका किससे कहाँ तक होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो दिस डज नॉट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट, इंस्टेड इट हैज अ सेंसर, तो यहाँ पे भाई साहब सेंसर होता है विच कैन मेजर द हीट कमिंग आउट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली एंड फ्रॉम दैट द थर्मोमीटर्स यूज इन लैब आर सिमिलर टू वन शोन, तो आपका भाई साहब लैब में ऐसे थर्मोमीटर्स यूज होते हैं, इन लैब्स दीज काइंड ऑफ थर्मोमीटर्स आर बेसिकली यूज, ठीक है, ओके। यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 110, क्योंकि लैब के थर्मोमीटर्स आप क्यों यूज करते हैं, ठीक है, लैब थर्मोमीटर्स ये क्यों यूज करते हैं भाई साहब, टू मेजर लैब टेम्परेचर्स, लैब थर्मोमीटर्स आर यूज टू मेजर लैब टेम्परेचर्स, क्लियर है, एंड दीज कैन बी एनी वेयर बिटवीन 40 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस विल बी बिटवीन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ओके। अ स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन अ डे, इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है, तो ये आपका सक्सेस थर्मोमीटर भी बोलते हैं हम इसको, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट दे बोथ एक्सचेंज हीट, तो आपका हीट का एक्सचेंज होता है, तो लेट्स से दिस इज बेसिकली so this is a hot object and this is a cold object, ठीक है, hot object and cold object, तो इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, exchange of heat हो रहा है, ठीक है, what is happening, exchange of heat, so when a hot object is kept in contact with a cold object there is an exchange of heat, so यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, heat का principle क्या है, heat flows from a hot object to a cold object, hot to a cold object, ठीक है, the hot object gives away heat while the cold object absorbs heat, ठीक है, cold object heat को absorb कर रहा है और hot object heat को दे रहा है, thus the temperature of the hot object decreases, तो
इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट ऑब्जेक्ट का भाई साहब क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। टिल दे बोथ अटेन अ द सेम टेम्परेचर, जब तक वो सेम टेम्परेचर ना अटेन करें। दस टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस वाइल दैट ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। दिस मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल दैट इन द हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। अ टाइम कम्स व्हेन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन बोथ बिकम्स इक्वल। कल हमने देखा भाई साहब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स होता है भाई साहब आपका डिग्री ऑफ, दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विद डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू वन डिग्री, ठीक है। एक यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, लेट्स से 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर अगर मुझे को 1 degree centigrade से बढ़ाना है तो जितना हीट लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे भाई साहब स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब लेट्स से अभी हीट को हम कैसे मेजर करते हैं, SI यूनिट है इसका जूल, तो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इज व्हाट पीपल, हम स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 degree, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल सी और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल्स पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऐसा यूनिट इज जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, जूल्स का हो जाएगा कैलोरी, ठीक है, और केजी का हो जाएगा ग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड वही रहेगा, ठीक है। सो लेट्स से अगर क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो लेट्स से हम बता रहे हैं यहाँ पे मास ऑफ द सब्सटेंस, लेट्स से आपका है भाई साहब एक मास लिया है हमने, मास ऑफ सब्सटेंस इज, मास ऑफ सब्सटेंस इज एम, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक टेम्परेचर था टी वन, इनिशियल टेम्परेचर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। बॉडी का जो पहले का टेम्परेचर है वो टी वन है, और बॉडी का जो फाइनल टेम्परेचर है किसी बॉडी का वो लेट्स से है आपका टी टू, ठीक है। मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है एम, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है टी वन, बॉडी का फाइनल टेम्परेचर कितना है टी टू, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। अगर समझ लो भाई साहब स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आपका सी, और हीट रिक्वायर्ड, अभी टेम्परेचर टी वन से टी टू में जाने में जितना हीट रिक्वायर्ड था लेट से वो है आपका क्यू, ठीक है, क्यू जूल्स ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारा स्पेसिफिक हीट क्या बोलता है भाई साहब, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज क्यू अपॉन, ठीक है, अपॉन व्हाट इज इट पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एम एंड टी टू माइनस टी वन, ठीक है। इस टी टू माइनस टी वन को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree centigrade, बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अपन यहां पे क्यू को क्या लिख सकते हैं, एम सी, अभी समझ लो अगर इसको ही हमने लिखा तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, तो क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, एम सी डेल्टा टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, क्यू हो जाएगा आपका एम सी डेल्टा टी, क्लियर 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 पीपल हम। तो एम सी डेल्टा टी मतलब होगा आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी टू माइनस टी वन, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब स्पेसिफिक हीट से, देखो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट है 0.21 calories per gram, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल का इतना है भाई साहब, ठीक है, फिर अगर गोल्ड का देखेंगे, सो दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे हैव देयर डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है, ओके ओके ओके। सो अभी हम बात करेंगे भाई साहब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, ठीक है, वी हैव सीन दैट अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर किसी चीज का स्पेसिफिक हीट आपको डिटरमिन करना है तो अपन कैलोरीमीटर यूज करते हैं। अ कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना हीट है उसमें, अ कैलोरीमीटर इज यूज्ड, ठीक है, यूजिंग दिस इक्विपमेंट वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस्ड और ऑब्जर्व इन अ फिजिकल और केमिकल। तो आपका कैलोरीमीटर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका कैलोरीमीटर है, दिस इज बेसिकली कैलोरीमीटर, ये आउटर वेसल है,
यहाँ पे एयर है, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना वो एयर से भरा है ताकि आपका हीट ना जाए, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ से हीट का लॉस नहीं होगा और ना ही बाहर से कोई हीट आएगा, इंसुलेटेड है ये, ठीक है। जैसे ये थर्मस है देखो, इस थर्मस में बहुत देर तक चाय या कॉफी गर्म रह सकती है, क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बाहर से एयर नहीं जाता और इधर से बाहर एयर नहीं आ रहा, इन इस लेयर के बीच में एयर है, ठीक है, एयर इज अ बैड कंडक्टर। तो ये हो गया आपका कैलोरीमीटर। अभी कैलोरीमीटर में और क्या है बोलो? एक होता है आपका थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करता है, ठीक है। ये है भाई साहब आपका इनर वेसल, ये हीट रेजिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी हीट का लॉस नहीं होगा, ना तो कैलोरीमीटर में कोई हीट जाएगा और ना ही कैलोरीमीटर से कोई हीट बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी ये स्टरर, स्टरर मतलब जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी समझ लो भाई साहब ये, अभी ये हीट रेजिस्टेंट लिड है, तो आप ये स्टरर है। अभी अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर आपने कोई सब्सटेंस डाला, लेट से हमने एक खोलता हुआ कॉपर डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, तो अभी ये जो Q होगा, दिस विल बी Q ऑफ कॉपर प्लस Q ऑफ वेसल, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, अ कैलोरीमीटर सिमिलर टू अ थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है, अ कैलोरीमीटर हैज टू वेसल्स, एन इनर एंड एन आउटर वन, दिस वे नो हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इनर टू द आउटर वेसल और फ्रॉम द आउटर टू द इनर वेसल, तो कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही आउटर से इनर में, ना ही इनर से आउटर में, ठीक है। Thus the inner vessel is thermally isolated from the surroundings. तो आपका जो इनर वेसल है, ठीक है, ये वाला जो इनर वेसल है, इससे ना तो कोई हीट बाहर जाएगा, ना ही इसमें कोई हीट अंदर जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको थर्मल इंसुलेशन, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन। तो यहाँ पे नो हीट लॉस, नो हीट लॉस और नो हीट गेन, ठीक है, कैलोरीमीटर में फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ना ही कोई हीट जाएगा और ना ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कोई हीट अंदर आएगा, ठीक है। सो देयर इज नो हीट लॉस और नो हीट गेन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैलोरीमीटर। द इनर वेसल इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो आपका जो इनर वेसल होता है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर। अ थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एंड अ स्टरर फॉर स्टरिंग द लिक्विड इन द कैलोरीमीटर, ओके। वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर, तो अगर आप देखोगे भाई साहब कैलोरीमीटर के अंदर क्या है, वाटर है एट अ फिक्स टेम्परेचर, ठीक है, वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस्ड इनसाइड द कैलोरीमीटर, दिस मींस दैट द टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल एंड दैट ऑफ द वाटर इन इट आर द सेम। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है इनर वेसल में और बाहर का है, तो दैट इज द सेम, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल। When a hot object is placed in water, heat is exchanged between the hot object, water and the calorimeter, and all three reach the same temperature. तो जैसे ही आप किसी गर्म चीज को अंदर डालते हैं तो क्या होगा, ये अपना हीट लॉस करेगा और कैलोरीमीटर और वाटर दोनों भी भाई साहब क्या करेंगे, हीट को गेन करेंगे। सो वेन एवर यू आर प्लेसिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज गोइंग टू लूज हीट, और ये तीनों भी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक तीनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। सो ये हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा जिसको आप कैलोरीमीटर के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, दिस इज गोइंग टू लूज हीट, ठीक है, और कैलोरीमीटर ये है भाई साहब, ठीक है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर इज गोइंग टू गेन हीट, कैलोरीमीटर इज गोइंग टू गेन हीट, ओके। और कौन गेन हीट करेगा, वाटर इज गोइंग टू गेन हीट, कैलोरीमीटर इज गोइंग टू गेन हीट एंड वाटर इज ऑल्सो गोइंग टू गेन हीट, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हीट लॉस्ट, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाई वॉटर, हीट गेन्ड बाई वॉटर, ठीक है, हीट लॉस्ट बाई हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाई कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाई वॉटर, ठीक है, ओके। तो हीट लॉस्ट बाई हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाई कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाई वॉटर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है, ओके। तो अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें, सो दिस विल बी हीट लॉस्ट बाई हॉट ऑब्जेक्ट, दैट विल बी हाउ मच, एम ओ सी ओ डेल्टा टी, है कि नहीं, लेट से दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे हीट गेन्ड, लेट से आपका मास ऑफ वाटर, आपने देखा ना भाई साहब एम सी डेल्टा टी होता है हीट,
एमसी डेल्टा टी होता है। तो ये हो गया हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इन टू डेल्टा टी, विच इज बेसिकली द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। हीट गेन्ड बाय द हीट गेन्ड बाय वॉटर, हीट गेन्ड बाय वॉटर, हीट गेन्ड बाय वॉटर ही कितना हो जाएगा बोलो, एम डब्ल्यू सो हीट गेन्ड बाय वॉटर ये कितना हो जाएगा भाई साहब, हीट गेन्ड बाय वॉटर दैट विल बी एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी, ठीक है। एंड हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर ये कितना हो जाएगा, एम सी 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 डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी आपका क्या फंडा क्या है भाई साहब, ये जो क्यू ओ है दैट इज इक्वल टू क्यू सी प्लस क्यू डब्ल्यू, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, एम ओ सी ओ डेल्टा टी इज इक्वल टू, ठीक है, एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी प्लस एम सी 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 डेल्टा टी। ये एम ओ क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सी ओ क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर चेंज, मास ऑफ वॉटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर एंड डेल्टा टी इज अगेन टेम्परेचर चेंज, मास ऑफ कैलोरीमीटर कॉपर कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड डेल्टा टी इज अगेन टेम्परेचर चेंज, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सो दैट इज हाउ द एंटायर फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड, ओके। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो सपोज द मासेज ऑफ द कैलोरीमीटर द वॉटर इन इट एंड द हॉट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर विच इज पुट इन द कैलोरीमीटर आर द सेम, अभी देखो सेम मास है, मतलब आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, एंड द वॉटर एंड द हॉट ऑब्जेक्ट ऑल आर द सेम, ये तीनों भी इक्वल है, ठीक है, ओके। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड वॉटर, तो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज टी वन इज हाउ मच, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द हॉट ऑब्जेक्ट का भाई साहब क्या है टेम्परेचर, ठीक है, टी टू कितना है भाई साहब आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ कॉपर एंड वॉटर आर दिस मच, वॉट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एम, ठीक है, अभी समझ लो, लेट द फाइनल टेम्परेचर, लेट द फाइनल टेम्परेचर बी टी एफ, ठीक है, क्लियर है, ओके। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू सी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉटर सी ऑफ वॉटर इंटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर सी ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो, एम ओ, ये हो गया सी ओ दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डेल्टा टी मतलब क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा टी, अभी यहां पे ये 60 पे है, फाइनल टेम्परेचर क्या आया है टी एफ, क्या ये टी एफ इससे कम होगा, ये हीट लूज कर रहा है ना, तो इसका टेम्परेचर गिरेगा, तो इसका कितना टेम्परेचर गिरेगा, देखो इसका हो जाएगा 60 माइनस टी एफ, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, ये 60 पे था, कहीं बीच में आएगा ना, ये समझ लो 50 पे आ गया, ये 30, ये भाई साहब मिक्सचर का हो गया 40 और ये हो गया 60, तो इसका टेम्परेचर गिरा ना, मतलब 60 से माइनस 40 होगा जो भी फाइनल टेम्परेचर होगा, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं एम डब्ल्यू पे, आपने देखो क्या बोला है, एम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ओ, तो इस एम डब्ल्यू की जगह पे हम एम ओ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। सी डब्ल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वॉटर कितना होता है भाई साहब, 1 होता है, देखो 1 कैलोरीज, ठीक है, तो ये हो गया इंटू 1। अच्छा अभी डेल्टा टी पे आते हैं, ठीक है, ध्यान दो यहां पे, वॉटर एट अ हाइयर टेम्परेचर पे जा रहा है, मतलब टी एफ इज ग्रेटर देन 30, तो यहां पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी एफ माइनस 30 होगा, यहां पे 60 माइनस टी एफ है क्योंकि ये हीट लूज कर रहा है, कैलोरीमीटर और वाटर हीट गेन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और कॉपर का टेम्परेचर घटेगा, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है, मतलब ये फाइनल टेम्परेचर 60 से कम है इसीलिए 60 माइनस टी एफ है, और यहां पे ये फाइनल टेम्परेचर है ये 30 से ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी टी एफ माइनस 30, दिस इज द टेम्परेचर गेन बाई वॉटर, ओके। यहां पे कितना हो गया बोलो, इस एम सी की जगह पे दैट इज मास ऑफ कैलोरीमीटर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सी सी की जगह पे भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं,
कॉपर का कितना है आपका, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ यहाँ पे 0.09, तो ये हो गया 0.09, ठीक है। और डेल्टा टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, TF-30, इसका भी भाई साहब TF-30 है कि नहीं। कैलोरी मीटर, ये टेम्परेचर T1 जो है ये किसका टेम्परेचर है, कैलोरी मीटर का, कैलोरी मीटर का और वाटर का, दोनों का, और दोनों भी क्या करेंगे अभी हीट गेन करेंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसमें आते हैं, तो आप देखोगे इस पूरे में क्या है, MO कॉमन है, MO भाई साहब कॉमन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, MO से, तो ये MO सब कैंसिल हो जाएगा है ना, ये वाला MO कैंसिल, ये वाला MO कैंसिल और ये वाला MO कैंसिल, इधर क्या बचा बोलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 60 - TF इज इक्वल टू TF-30 तो इनटू 1 है प्लस 0.09 TF-30, ठीक है क्लियर है। TF-30 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें, ठीक है, तो TF-30 को अपन ने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा बोलो, 1 प्लस इसकी जगह पे 1 प्लस 0.09, ठीक है, और इधर कितना है C0 60 - TF, ठीक है। अभी यहां पे भाई साहब ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक, वॉट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वॉटर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यार यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा अच्छा यहाँ पे कॉपर ही है, हॉट ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉपर है, ओके चलिए, तो कॉपर का भाई साहब यहाँ पे अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना डालेंगे, 0.09, जैसे यहाँ पे था 0.09 डाला था, ठीक है ओके। तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1.09 TF-30 इज इक्वल टू 0.09 60 - TF, ठीक है ओके। चलिए भाई साहब इसको अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो गया ये, 9 × 6 = 54 और ये हो गया 2, तो 5.4 - 0.09 TF, ठीक है, 6 × 9 = 54 हो गया, 1, 2 और 3 यहाँ पे 2, तो ये 5.4 -0.09 F, ये हो गया 1.09 TF माइनस 9 × 3 = 27 0 × 3 = 0 ये हो गया 2 × 3 = 3, ठीक है, और यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 0, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए तो 32.7 हो गया, ठीक है ओके। अभी इसको कर लो भाई साहब, इसको अगर हम इधर लेते हैं तो 1.18 TF, ठीक है 1.09 है और यहाँ पे 09, 1.18 TF, इधर कितना हो जाएगा बोलो, 32.7 और इधर कितना है 5.4, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 7 + 4 = 11, 5 + 1 = 6, 7, 8, 38.1, तो ये हो गया आपका 38.1, ठीक है। तो TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 38.1/1.18, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3810/118, इसको भाई साहब दो प्लेस पीछे लेके जाओ, इसको दो प्लेस पीछे लेके जाओ, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 2 × 19 = 38.05, ठीक है, 14 × 15, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 59 और ये कितना है भाई साहब आपका 1905, ठीक है 59, अगर आप 3 से करोगे देखो यहाँ पे 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 15, 16 × 17, ठीक है 7 + 3 हो गया 10, 9 × 8 = 7, ठीक है 59 × 3 = 177 होता है, नहीं यार 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 5, ठीक है तो 59 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10 = 111, 8 + 7 हो गया आपका 15, 2 × 1 = 1, यहाँ पे पॉइंट आया तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है यहाँ पे अगेन 2 ही लेना पड़ेगा आपको, है ना, तो यहाँ पे 2 ही लेना पड़ेगा, वट विल बी अगेन 118, क्योंकि 3 की वैल्यू आप दे चुके हैं, 177 है, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, हम 8 + 9 = 10, 6 + 11 = 5, 5 = 20, 59 × 8 करके देखो यहाँ पे 9 × 8, क्योंकि 5 × 8 = 40 होता है ना, यहाँ पे 52 है, 9 × 8 = 76, 5 × 8 = 40, 47 बराबर आ रहा है, इससे ज़्यादा आप नहीं जाना बस काफ़ी है, ठीक है क्योंकि ख़त्म नहीं होगा, सो दिस विल बी हाउ मच फाइनल टेम्परेचर इज
32.28 degree सेंटीग्रेड. दिस वुड बी द फाइनल टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल. ओके, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट? तो आपने पढ़ा है भाई साहब, इफेक्ट ऑफ हीट में क्या होता है, चीजें एक्सपैंड होती है. ठीक है, व्हेन यू हीट एनी सब्सटेंस, वो भाई साहब आपकी एक्सपेंशन में जाएगी. ठीक है, हीटिंग एनी सब्सटेंस विल एक्चुअली रिजल्ट इन एक्सपेंशन. इतना सारा बाकी रह गया भाई साहब. ओहो, हमने सोचा था भाई साहब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको.